हेलो जी वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली सब कैसे हैं आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे वेलकम टू माय न्यू वीडियो हम लोग ने बनाए थे पिछली वीडियो में राजमा जो बहुत मज़े के बने थे इंडियन रेसिपी है ये और सबको बहुत पसंद आने वाली है तो जो बच जाएगा उसके साथ हम लोग क्या करेंगे वेस्ट थोड़ी कर देंगे तो हम लोग बनाएंगे इससे राइस जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कलर टेक्स्चर हर चीज़ बहुत कमाल का होता है तो आपने रेसिपी जरूर ट्राई करनी है फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है देख सकते हैं लुक कितने माल की आ रही है और इतनी यमी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए तो चलते हैं रेसिपी की तरफ तो बिस्मेला रेसिपी स्टार्ट करते हैं ये है हमारा राजमा जो हम लोगों ने बनाया था फुल ऑफ ग्रेवी ग्रेवी से भरा हुआ है और बहुत स्मूथ सा टेक्सचर है इतना मजे का है हमने करना क्या है इसको चूल्हे पर चढ़ा देना है और इसके अंदर डाल डालनी है हम लोगों ने थोड़ी सी हम डालेंगे चिली फ्लेक्स वन टेबल स्पून के करीब और वन टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा गर्म मसाला और सॉल्ट ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा क्योंकि जो हम लोगों ने राजमा की रेसिपी बनाई थी इसमें भी स्पाइसिस काफ़ी थी और बाद में हम लोग इतना ना देंगे कि चावलों के साथ मिक्स होकर ये बिल्कुल परफेक्ट सा कलर दे और टेस्ट इसका कमाल का और स्पाइसिस वगैरह बिल्कुल पूरी हाँ अब इसके अंदर हम लोगों ने एक जो चम्मच है बड़ा चम्मच भर के इसके अंदर घी का शामिल कर देना है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इससे चावल जो हमसे हैं खिले खिले से बनेंगे पहले तो ऑयल हम लोगों ने शामिल किया ही हुआ है राजमा में लेकिन अब इसे राइस बनाने हैं तो एक चम्मच डालने की जरूरत पड़ी थी हमें क्योंकि चावल इससे बहुत खिले खिले से बनेंगे तो एक चम्मच आप लोगों ने भर के ऐड कर देना है और फिर इसको हिलाते जाएंगे और उसको हम लोगों ने पका लेना बहुत मजे का टेस्ट बनता है आप लोगों ने रेसिपी जरूर ट्राई करनी है हम लोगों ने फर्स्ट टाइम राजमा बनाया था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था हर किसी का टेस्ट डिफरेंट होता है आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है दो बड़ी ग्रीन चिलीज़ हैं वो आप लोगों ने काट के इसके अंदर ऐड कर देनी है दरमियान से काटना है आप लोगों ने ठीक है जी बिल्कुल इसको छोटे छोटे पीसेज़ नहीं करने सावधि ही आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देनी है और थोड़ी सी इमली डालेंगे इसके अंदर तकरीबन पाँच से छः दाने इमली के डाल देने हैं जो इस इसका टेस्ट कमाल का, का करेंगे बहुत ही इजी सी रेसिपीज़ इंतहा की इजी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है जाके देखिए वॉच कीजिए लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए पाँच से छः मिनट के बाद हम लोगों ने इसके अंदर आप शामिल करना है पानी पानी हम लोगों ने कितना ऐड करना है और हम लोगों ने चावल कितने बनाने हैं हम लोगों ने जो चावल बनाए थे वो दो ग्लास थे ठीक है जी दो ग्लास के अंदर तीन गिलास पानी जाता होता है तो हम लोगों ने तीन गिलास जो थे पानी के ऐड कर दिए थे आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जितना आप लोग का राजमा होगा उस हिसाब से आप लोगों ने डाल देना ठीक है जी अगर आप लोग स्पेशल जो है राजमा राइस बनाना चाहते हैं तो आप लोग पहले राजमा का जो है वो सालन बनाइए फिर उसके अंदर आप लोग इस उसके अंदर चावल डाल दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत मजे का होगा जो राजमा की रेसिपी है मैं वो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह आई बटन में दे दूंगी जाके देख सकते हैं एंड सकिनों भी देख दे दूंगी जाके देख लीजिएगा अब इसके अंदर हम लोगों ने राइस ऐड कर देने हैं जो के थे दो ग्लास इसको हम लोगों ने पाँच से दस मिनट के लिए पहले भी घो के रख दिया था अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हम लोगों ने इसका पानी जो है खुश्क करना है कितना खुश्क करना है जब ये थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा ना इसके अंदर जितना हम दम देने जैसे हम दम देते हैं चावलों को सेम टू सेम वही है तो वैसे ही हम लोगों ने करना है जब थोड़ा सा पानी आ जाएगा तो इसके अंदर हम लोगों ने गीला कपड़ा करके इसको हमने दम में रख देना है और फिर पंद्रह से बीस मिनट में हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे आप लोगों ने कभी राजमा बनाया मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है थोड़ा सा अलग होता है किसी को पसंद आता है किसी को नहीं पसंद आता लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा आयरन से भरपूर होता है बहुत अच्छा होता है हेल्दी भी होता है तो ज़रूर खाइए इंजॉय कीजिए पानी देख सकते हैं आप लोग खुश हो चुका है थोड़ा थोड़ा सा रह गया इससे हम दम दे देंगे ऊपर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा धनिया जो टेस्ट को कमाल का करेगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा बहुत परफेक्ट सा कलर बनने वाला है इसका आप इसको हम दम दे देंगे पंद्रह से बीस बीस मिनट के बाद हम लोगों ने जब चेक करना है तो बिल्कुल माशाल्लाह खिले खिले से राइस बनेंगे बहुत अच्छे से बनेंगे ये हमारी रात को हम लोगों ने बनाया था मैं आप लोगों को बताती हूँ इसकी जो बाहर जाके लुक इसकी कैसी आती है और इसका कलर कैसा आता है आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा है खिले खिले से राइस बने बिल्कुल भी जुड़े नहीं है टूटे नहीं है आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है फीडबैक मेरे से जरूर शेयर करना है बनाते रहिए रेसिपी इंजॉय करते रहिए और फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करते रहिए तो अब इसको करते हैं डिश आउट और सबके साथ शेयर करेंगे इन्जॉय करेंगे रेसिपी खाएंगे देख लीजिए कलर कितना कमाल का है बहुत परफेक्ट सा कलर माशाल्लाह तो आपने रेसिपी ट्राई करके फीडबैक शेयर करना है तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नई रेसिपी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दुआ में याद रखिए रेसिपीज को ट्राई करते रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए और uh, हेल्थी रहिए है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़